आइए हम लोग नवंबर 2019 का पेपर जो अपने डिस्कस कर रहे थे, सॉल्व रैदर डिस्कस नहीं, रैदर वी आर सॉल्विंग, राइट। मैंने आपको बताया था कि पास्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वील ट्राई टू सी वेदर वी कैन कम्प्लीट इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स और नॉट। तो उसी तरीके से हम लोग अभी इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने 2A तक कर लिया है, अभी हम लोग करेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, आइए। टू बी ओवर इट कॉस्टिंग का सम है एंड वो अंडर रिकवरी का सम है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पास्ट RTP में भी किया है, राइट। तो ये वहीं से क्वेश्चंस उन्होंने उठाकर दिया है आपको। लिखता है ABC एंटरप्राइजेस, ABC एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एंड अडॉप्ट द पॉलिसी टू रिकवर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइंग ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर। तो ब्लैंकेट रेट के लिए अपने को बजेटेड ओवरहेड चाहिए, बजेटेड मशीन आवर चाहिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन स्टेप 1, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू बजेटेड ओवरहेड बाई बजेटेड मशीन आवर, दैट कम्स टू हाउ मच बताइए। बजटेड ओवरहेड है 10,35,000 बाई बजटेड मशीन आवर है 90,000 आवर। आ जाइए, 10,35,000 डिवाइडेड बाई 90,000, तो ये आ रहा मेरा 11.50 इज द एवरेज रेट पर मशीन आवर। इज दैट फाइन? देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालते हैं। तो उसके लिए अपने को एक्चुअल मशीन आवर वर्क दिया है, देखिए 45,000, मतलब बजटेड का पूरा आधा काम हुआ है। तो हम लोगों ने, ये तो हमारा पूरा प्लानिंग का ही गड़बड़ है, साफ दिख रहा है। तो नीचे देखिए लिखा हुआ होगा दैट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिलीव दैट 1/3 ऑफ द अंडर रिकवरी वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग। कहाँ आपका बजटेड 90,000 और आपका एक्चुअल 45,000 है, तो इट्स पुअर पुअर प्लानिंग, राइट। एनीवे, तो हमारा स्टेप 2 होगा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, दैट इज बजटेड रेट इनटू एक्चुअल मशीन आवर, क्योंकि रिकवरी मशीन आवर के बेसिस पे है। सो 11.50 इनटू 45,000 आवर्स। तो व्हाट इज आवर रिकवरी पार्ट, 11.5 इंटू 45,000, 5,17,500, राइट। स्टेप 3 इज व्हाट, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। कई बार क्या होता है, ओवरहेड में वेजेस आ जाता है, पास्ट ईयर का खर्चा आ जाता है, स्टोर रिटर्न ऑफ आ जाता है, तो उन सब चीजों को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, देखिए आप लोग साफ साफ लिखा है प्रॉब्लम में, राइट। व्हाट दे हैव गिवन, बोलता है एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड इज 880, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड इज 8,80,000, लेकिन इसमें 50,000 कोई क्लेम पेमेंट किया है हमने, स्ट्राइक का हमने पैसा दिया है 38,000, राइट। स्ट्राइक में देर इज नो प्रोडक्शन, स्टोर राइट ऑफ हुआ है 22,000 का, और पिछले साल का खर्चा बुकिंग हुआ है 18,500 का। तो ओवरहेड इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड कितना है, राइट। आइए, 8,80,000 -50 -38 -22 -18,500, सो दैट कम्स टू 751,500। स्टेप 4, अंडर रिकवरी इज व्हाट, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड माइनस ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, दैट इज
751500 माइनस 517500, तो जो भी आ रहा है 517500 माइनस कर दीजिए, तो 2,34,000 इज माई अंडर रिकवरी, राइट। 2,34,000 रुपये का मेरा ओवरहेड अंडर रिकवरी हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण था वो तो कॉस्टिंग पेल में चला जाएगा, और जो इन्फ्लेशन नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज है बैलेंस, राइट, लिखा बैलेंस इज एट्रिब्यूटेबल फॉर नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज, उसके लिए अपने सप्लीमेंट्री रेट मेथड यूज़ करेंगे, राइट। तो ये हमारा क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग स्टेप फाइव में, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी, राइट। ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग है 1/3, तो दैट इज रुपीज 2,34,000 का इंटू 1/3, दैट इज 78,000। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है, और नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज इसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री रेट लगाएंगे, बैलेंस अंडर रिकवरी बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। तो टोटल प्रोडक्शन देखिए आपने 30,000 यूनिट का किया है, तो बैलेंस अंडर रिकवरी होगा 2,34,000 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स, 2,34,000 इंटू 2/3, तो ये आ रहा है 1,56,000, 156 बाई 30,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 30,000, तो मेरा 5.2 आ रहा है सप्लीमेंट्री रेट। अच्छा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है COGS बढ़ेगा 27,000 इंटू 5.2, और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होगा क्योंकि 30,000 में 27,000 हमने बेच दिया है, तो 3,000 इंटू 5.2, सो दैट इज कमिंग टू 27,000 इंटू 5.2, दैट कम्स टू 140,400, और ये आ रहा है 3,000 इंटू 5.2, दैट कम्स टू 15,600। तो ये हमारा अंडर रिकवरी का ट्रीटमेंट हो गया, एक ये, एक ये और एक ये, राइट। तो ये सीक्वेंस में अभी हम लोगों को क्या क्या पूछा है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड, टू गिव द वेज ऑफ ट्रीटिंग इट इन कॉस्ट बता दिया मैंने, एंड टू अपोर्शन भी करके दिखा दिया, ट्रीटमेंट के साथ साथ फिगर्स भी बता दिया। इज दैट फाइन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये हमारा पास्ट आरटीपी, मतलब मैंने आपको बोला है अगर आपका एग्जाम जैसे मई 2020 में है तो आप पुराना आरटीपीस करके जाइए, तो जिनका एग्जाम नवंबर 2019 में था वो लोग भी पुराना आरटीपीस करके गए होंगे, तो उन पुराने आरटीपी में से ही ये क्वेश्चन है।
इज दैट फाइन? आइए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A. होटल इंडस्ट्री का सम है, राइट? सो होटल इंडस्ट्री मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यहाँ पे कॉम्पोजिट यूनिट रूम डेज होता है. ये बेसिक चीज हम लोग दिमाग में लेके चलेंगे, राइट? आइए सवाल में क्या बोला है, 200 सिंगल रूम है हमारे पास, 6 महीना हमारा ऑफ सीजन होता है और ऑफ सीजन में हम आधा भाड़ा लेते हैं, ठीक है? हमको 20% ऑफ द रूम रेंट, 20% ऑफ द रूम रेंट मतलब फेयर, जो हमारा भाड़ा है रूम का, जो भाड़ा है किराया है उसका 20% मतलब कॉस्ट पे होगा 1/5 ऑन सेल प्राइस. सेल प्राइस, रूम रेंट इज सेल प्राइस, तो 1/4 मतलब 25% ऑन कॉस्ट हो जाएगा. ये ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का सम करते हैं तो उसमें लिखा रहता है 20% ऑफ फ्रेट, इट मीन्स 25% ऑन कॉस्ट. तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 20% ऑफ द रूम रेंट मतलब सेलिंग प्राइस का 20% बोल रहा है, राइट? तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट का कितना होगा, 25%. वेरी गुड. तो 200 रूम है, 6 महीना ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में आधा भाड़ा लेते हैं. आगे देखिए, सीजन में 80% है, ऑफ सीजन में 40% है, बस इतना ही है. टोटल इन्वेस्टमेंट 300 लाख का, जिसमें 80% बिल्डिंग है, बाकी 60 लाख का फर्नीचर है पूरा होटल में. रूम अटेंडेंट को हम लोग 15 रुपया पर रूम पर डे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी इन अ मंथ. एक रूम का एक दिन का अपने 15 रुपया देते हैं, राइट? एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, रिपेयर टू बिल्डिंग, राइट? लॉन्ड्री चार्जेस वगैरह, ये सब और भी सही कार्य सारे खर्चे दिए हुए हैं. इंटीरियर चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो इन सबको मैं ब्लाइंडली ऐड कर लूंगा. डेप्रिसिएशन भी मेरा ऐड हो जाएगा, बिल्डिंग का 5% और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में 15%, ऊपर से वैल्यू आ जाएगी. 300 लाख में 80% बिल्डिंग है मतलब 240 लाख, तो 240 लाख का 5% कर लेंगे और इधर में 60 लाख का हम लोग 15% कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद दे हैव टोल्ड अस लाइटिंग चार्जेस अलग से लेना पड़ेगा, 110 रुपया महीना, एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स विंटर सीजन का. अच्छा, अब यहां पे मेन बात क्या है, विंटर सीजन को आप किस में मानोगे, सीजन में मानोगे कि ऑफ सीजन में मानोगे, सोचने वाली बात है. तो क्वेश्चन क्लैरिफाई कर दिया, विंटर सीजन ऑफ सीजन का पार्ट है, मतलब उस समय आपके 40% रूम्स ही ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये 110 रुपया पर रूम वाइज है, पूरे महीने का लिखा है. दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ, रूम डे नहीं है ये, राइट? अच्छा, हम लोग को रूम रेंट निकालना है फॉर बोथ ड्यूरिंग ऑफ सीजन एंड ऑफ सीजन, महीने में 30 दिन पकड़ो, ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग कुछ कुछ चीज निकाल लेते हैं. नोट नंबर 1, कैटेगरी यहां पे रूम वाइज कैटेगरी नहीं है, यहां पे सीजन वाइज कैटेगरी है, सीजन ऑफ सीजन. रूम्स ऑक्यूपाइड, राइट? तो रूम्स ऑक्यूपाइड में यहां पे 200 का 80% मतलब 160 रूम्स, 200 का 40% दैट इज 80 रूम्स. नंबर ऑफ डेज, टाइप ऑफ रूम होता तो 360 होता, बट यहां पे ऑफ सीजन, ऑफ सीजन है तो 180 दिन होगा,
इधर भी 180 दिन। रूम डेज 160 × 180, 160 × 180 28,800, 80 × 180 14,400। नाउ इक्विवेलेंट रूम डेज ऑन द बेसिस ऑफ फुल रूम रेंट, फुल रूम रेंट के बेसिस पे अपने इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो ये तो हमारा 28,800 ही रहेगा। इन लोगों से मैं हाफ ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 7,200 आएगा। तो इक्विवेलेंट रूम डेज आएगा मेरा पूरे साल का फुल रूम डे, मतलब फुल रेंट रूम डे, इक्विवेलेंट फुल रेंट रूम डेज हैं 36,000। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कैटेगरी टाइप वाइज नहीं है, सीजन ऑफ सीजन है। तो एक सीजन में 160 रूम ऑक्यूपाइड है 180 दिन के लिए, ऑफ सीजन में 80 रूम ऑक्यूपाइड है 180 डेज के लिए। तो रूम डेज आ गया। अभी अपने को इक्विवेलेंट रूम डेज निकालना ऑन द बेसिस ऑफ फुल रूम रेंट। तो 28,800 वाले से मैं फुल ले रहा हूँ, 14,400 वाले से मैं हाफ ले रहा हूँ। तो मेरा 36,000 रूम डे आ गया, फुल रेंट रूम डे आ गया। ठीक है। अच्छा अभी विंटर सीजन इसका पार्ट है, विंटर जो है ना वो इसका पार्ट है। अच्छा ये हो गया। ये तो मेरा रेवेन्यू, रेवेन्यू जब कैलकुलेट करेंगे तब ये यूज होगा। खर्चा के लिए ये यूज नहीं हो रहा है। खर्चे के लिए क्या बोला है, अगर मैं रूम अटेंडेंट की बात करूं, रूम अटेंडेंट इज 15 पर रूम डे, तो सीजन ऑफ सीजन, सीजन वाले रूम डे हैं 28,800, इसके हैं 14,400। भैया मैं कस्टमर से आधा ले रहा हूं, थोड़ी ना मेरा वर्कर लोग मेरे से आधा लेगा, थोड़ी ना क्लीनर क्लीनर वेजेस ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी ना बिजली बिल आधी हो जाएगी। आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आप रेवेन्यू कम ले रहे हैं, बट आपका खर्चा तो पूरा लगेगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट नहीं लेना है, यहाँ जो एक्चुअल रूम डे है ना वो लेना है। 15 राइट। आइए बताइए कितना आ रहा है, 28,800 × 15 दैट कम्स टू 432, 14,400 इंटू 15 216। तो ये कितना आएगा, 432 प्लस 216 648। ठीक है। रूम अटेंडेंट का पैसा हाफ नहीं होगा बेटा, जितना रूम डे है उस हिसाब से लगेगा। नोट 3, लाइटिंग चार्जेस।
110 रुपया पर रूम। हाँ राइट, सीजन में विंटर वेकेशन फॉल नहीं कर रहा है। 110 रुपया पर रूम, एंड ये कॉस्ट मंथली है, तो 6 महीना सीजन का है। ऑफ सीजन में भी नॉर्मल विंटर, नॉर्मल में 110 ही लगेगा, 80 रूम्स का 2 महीना, क्योंकि ऑफ सीजन में 4 महीना विंटर का, तो उस समय 30 करके लगेगा, 80 रूम का 4 महीना। राइट, 110 इंटू 160 रूम का 6 महीने का 105600, 110, 80 रूम का 2 महीना 17600, और 30 इंटू 80 इंटू 4 महीने 9600। राइट, तो इस हिसाब से हमारा टोटल चार्जेस कितना आ रहा है, 9600 प्लस 17600 प्लस 105600, 1,32,800। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अगर आपको निकालना है तो आप अलग से निकाल सकते हैं, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है, निकाल लीजिए। ऑन बिल्डिंग ₹300 लाख का 80%, उसका 5%। ऑन फर्नीचर 300 लाख का 20% और फर्नीचर पे 15%। तीन सौ लाख है यहाँ, 300 इंटू 80% इंटू 5%, तो ये आएगा 12 लाख। ये 60 लाख का 15% आएगा 9 लाख, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा 21 लाख। इज दैट फाइन? ठीक है, और तो सारा कुछ बोला नहीं है, अब तो नॉर्मल है। अब हम लोग निकालेंगे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। राइट, सबसे पहला रूम अटेंडेंट हम लोगों ने निकाल लिया है 6,48,000। लाइटिंग चार्जेस भी निकाल लिया 132,000।
800, डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया 21 लाख, बाकी सब यहीं से उठाएंगे। स्टाफ सैलरी है 8 लाख, रिपेयर्स है 3 लाख, लॉन्ड्री चार्जेस है 1 करोड़ 40 लाख, इंटीरियर चार्जेस है 2,50,000, और मिसलेनियस एक्सपेंस है 2,02,000। तो ये मेरा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, राइट? 648, 132,800, 21 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 1,40,000, 2,50,000, 45 लाख, 5713750। फाइव थ्री फाइव सेवन वन थ्री सेवन फाइव जीरो, इज दैट फाइन? कुछ नहीं करना है, ऐसा सम हम लोगों ने किया है, सिंपली यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इस बार मई 2020 में आई थिंक वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पिछला 3-4 RTP में वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला एक सम है, वो हम लोगों ने किया है क्लास में उसको, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ या ना? तो मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया, अभी हमको निकालना है रूम रेंट सीजन वाला, ठीक है ना? 57 लाख,
158.71, और यही भाड़ा ऑफ सीजन में अगर मांगेंगे तो सीजन वाले का ठीक हाफ कर दीजिए। राइट इज दैट फाइन। आ जाइए, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3B। राइट नाउ 3B जो है कॉस्ट शीट का समय, राइट बैक कैलकुलेशन टाइप का समय। हाँ, रूम अटेंडेंट हाफ नहीं होगा बेटा, वो श्योर है। कैसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तुम किसी आदमी को रखे हो? नहीं, आप, ये आपका होटल पॉलिसी है कि आप आधा ले रहे हैं, आपका खर्चा हाफ तो होगा नहीं ना। अब तुम यही ले लो ना, फ्रेट के केस में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता है, अपने फेयर में बोथ वे का इंक्लूड कर लेते हैं। टैक्सी में अपने 20-25% टैक्सी खाली चलता है उसको अपने इंक्लूड कर लेते हैं, अपने पॉकेट से थोड़ी भरे। तो आप तो उसको स्प्रेड कर रहे हो ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर स्प्रेडिंग इट। हाँ, ये आपका पूरा लगेगा जितना रूम डेज है, खर्चा हाफ नहीं होगा। हाँ, अगर विंटर सीजन के लिए नहीं बोला है कि कौन से सीजन में फॉल कर रहा है तो यू कैन टेक नोट, क्योंकि ये बताना बहुत डिफिकल्ट होगा सीजन ऑफ सीजन, ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लेस। गर्मी में सबको हिल स्टेशन जाने का कोशिश करते हैं तो हिल स्टेशन में वो पीक सीजन होता है, विंटर वेकेशन में सबको समुद्र, उस टाइप का एनवायरनमेंट है बेटा। वो मेरे लिए बोलना पॉसिबल नहीं है, नोट दे देंगे अपने क्लास में भी हम लोग यही अज्यूम किए हैं। हाँ आइए। एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिवील्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर सेप्टेंबर 2019। रॉ मेटेरियल WIP दे दिया, ठीक है। टारगेटेड प्रोडक्शन 1 लाख है, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर होगा, फैक्ट्री ओवरहेड, इस टाइप का सम तुम लोग किया है, पास्ट RTP में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड में, क्वालिटी कंट्रोल भी जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। पैकिंग सेकेंडरी है, प्राइमरी होता तो फैक्ट्री ओवरहेड, ये सेलिंग ऑन ओवरहेड माना जाएगा, और लिखा भी है पर यूनिट सोल्ड। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जलन बोला है तो सेलिंग में ऐड करेंगे, जनरल बोला है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं बोला। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नीचे आएगा। फिनिश गुड्स ओपनिंग है नहीं, नील दिया हुआ है। क्लोजिंग 5,000 यूनिट, तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसको वैल्यू कर देंगे। डिफेक्टिव आउटपुट मतलब स्क्रैप, तो
1 लाख मेरा प्रोडक्शन टारगेट था, उसका 4% स्क्रैप, मतलब मेरा प्रोडक्शन इफेक्टिव प्रोडक्शन 96,000 ही हुआ है। क्वेश्चन में दिया है ना टारगेटेड प्रोडक्शन, उसका 4% मेरा स्क्रैप है, तो मेरा गुड प्रोडक्शन कितना होगा? नहीं, गुड प्रोडक्शन नहीं बोला, 1 लाख टारगेट है ये मेरा, तो टारगेट प्रोडक्शन का 4% लॉस हो गया, स्क्रैप में चला जाएगा, तो इसका मतलब जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो 96 का आएगा। और लिखा भी है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर नहीं भी एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव को नीचे लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 78,26,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज हाफ ऑफ मटेरियल, ठीक है, सेलिंग प्राइस 110, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना और कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पूरा प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसी में हमारा काम हो जाएगा, राइट। आइए, नोट वन, प्रोडक्शन कितना है हमारा, 1 लाख में से 4% ऑफ 1 लाख, तो 96,000 मेरा प्रोडक्शन है, तो सोल्ड कितना होगा, 96 प्रोडक्शन में 5,000 क्लोजिंग बाद दे दो, तो 91,000 मेरा सोल्ड है, इज दैट फाइन? बोलो, दो तरीका है, या तो आप बैक कैलकुलेशन करके पहले बनाइए, फिर पार्ट टू में आपको वापस एक कॉस्ट शीट भी बनाने बोला है, गौर करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाते, उसी में हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैक कैलकुलेशन वाला कर लीजिए पहले, आई डोंट माइंड। तो पहले हम लोग भैया वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज चाहिए अपने को, तो उसके लिए कंजम्पशन निकालना है प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसका फिगर चाहिए अपने को। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एक वर्किंग नोट में बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे को COGS दिया हुआ है, कितना बोला है COGS, ₹78 लाख। एक ही बात, अपने वहां पे नीचे पॉइंट फॉर्म में जो लिखते थे वो यहां नहीं लिखना पड़ेगा, 78,26,000। हाँ, जो अपने लिखते थे ना पॉइंट नंबर वन में, ये बैलेंसिंग फिगर आया, टू नोट टू के हिसाब से पूरा प्रॉपर बना के फिर अपने नोट दिखाते थे ना नीचे, वो यहां नहीं दिखाना पड़ेगा, सीधा बैक करते चलो इसमें। तो COGS कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्लोजिंग माइनस करते हैं, तो यहां पे क्लोजिंग ऐड कर देंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 96 है, उसी वैल्यू पे वैल्यू किया गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 96 है, उसमें से 5,000 क्लोजिंग, तो 91 बचा, मतलब जो COGS का कॉस्ट पर यूनिट आएगा ये 91,000 यूनिट्स का है,
तो जो COGS का है ना, यहाँ पे सेल आया ना बेटा, हाँ, तो जो COGS का कॉस्ट पर यूनिट आएगा वही हमारा कॉस्ट पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का भी आएगा। तो अपने ऐसे निकाल सकते हैं 78,26,000 बाई 91,000, तो COGS का कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ये सेम कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी अप्लाई करेगा, इनटू 5,000 यूनिट्स, हो गया काम खत्म। ₹82,56,000, अब इसमें अपने क्या करेंगे, ऐड फॉरवर्ड कैलकुलेशन में सेल ऑफ स्क्रैप प्लस होता है, माइनस होता है, यहां प्लस होगा। तो 4,000 स्क्रैप है, 61,000 इज एक्सपेक्टेड, सॉरी, तो 2,44,000 आएगा। एड क्लोजिंग WIP लेस, पूरा उल्टा करेंगे, ओपनिंग WIP लेस प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट। तो 4,000 का 61 करके तो स्क्रैप आ गया, क्लोजिंग WIP कितना है, 5,00,000, ओपनिंग WIP कितना है, 2,00,000, लेस प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड को जस्ट ऐसे ही ऐड कर लो ना एक बार। कंज्यूमेबल स्टोर है 3,50,000, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 2,50,000, क्वालिटी कंट्रोल है 2,00,000, पैकिंग नहीं आएगा, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट है 2,00,000, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आएगा, सेलिंग नहीं आएगा, हो गया। और गया कितना आ रहा है, 6,10,00,000 आ रहा है ये पूरा, तो ये आएगा मेरा प्राइम कॉस्ट, करिए 82,56,000 प्लस 244 प्लस 5,00,000 माइनस 2 माइनस 10, तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया 78,00,000। मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया 78,00,000। अब इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख रहा है कि
कि लेबर कॉस्ट हाफ है मटेरियल का, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 1:2 है। हाँ या ना? अरे भैया, अगर ये हाफ है किसका, इसका, तो इन दोनों का आपस में रेशियो क्या हो गया, 1:2। और वही मिलके प्राइम कॉस्ट बन रहा है, तो अपने इसको दिखा सकते हैं ना इस तरीके से, 78 लाख इंटू 1/3, 78 लाख इंटू 2/3, कितना आ रहा है? नहीं तो आपको मेटल कॉस्ट को एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू 70 जैसा करना है करिए। इज दैट फाइन? अब यहां पे दिखा दीजिए, 52 लाख प्लस क्लोजिंग रॉ मेटेरियल कितना है, 292 लेस ओपनिंग रॉ मेटेरियल, टू फोर्टी टू 292 माइनस 242, नीचे वाला लो देखो, हाँ बेटा कॉमन सेंस है ये, नहीं तो आप ऐसे कर लो ना, लो मटेरियल कॉस्ट एक्स है, प्लस हाफ ऑफ एक्स 78 लाख, 3x/2 इज 78 लाख, एक्स इक्वल्स टू 52 लाख। डन, अब अपने को कॉस्ट शीट बनाना है, तो वी कैन स्टार्ट विथ COGS। यस, 78 लाख 26,000,
प्लस सेलिंग ओवरहेड में आपका पैकिंग आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल आएगा और सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा। पैकिंग होगा 2 × 91,000, 2 रुपये पर यूनिट सोल्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव 224, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 413, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक सौ दस करके। हाँ पूरा बनाना है, पूरा बना लेना, जैसा टाइम हो एग्जाम में वैसा कर लेना। मैं तो भाई यही तक बना के आता। भाई मैंने आधा से ज्यादा तो यहां बना दिया। भाई उल्टा बनाया ना, उल्टा बनाओ चाहे सीधा बनाओ। ठीक है, आइए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A। लेबर कॉस्टिंग का समय जीको लिमिटेड हैज इट्स फैक्ट्री एट टू लोकेशन, नासिक एंड सतारा। देयर इज वन सीरियल तारा फ्रॉम सतारा, रिमेंबर? उसमें कोई डांस चैंपियनशिप दिखा रहा है।
डोंट वॉच टीवीज, बहुत रेयर। ठीक है, बस बस। रोवन प्लान इज यूज्ड एट नासिक फैक्ट्री सतारा में हाल से। स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक वेज दोनों के लिए सेम है। नॉर्मल वर्किंग आवर दे दिया तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम। नासिक में कंप्लीट करने का 32 घंटा लगेगा, सतारा में 30 घंटा लग रहा है। अच्छा, हम लोग जो सम किया था दैट वाज मटेरियल लेबर ओवरहेड, यहाँ पे खाली कन्वर्जन कॉस्ट का सम है। ठीक है, आइए लेट। तो पहले तो आर निकालना पड़ेगा ना। लेट आवरली वेज रेट बी एक्स, सी सी एट नासिक, सी सी एट सतारा। थर्टी टू एक्स ए इज 40 आवर्स, 8 × 5, यहाँ पे टी है 32 और सतारा में टी है 30। तो टी इन टू आर, यहाँ पे रोवन है तो टी बाई ए इन टू ए माइनस टी इज 8 घंटा इन टू आर, सो दैट कम्स टू 32/40 × 8, 6.4, तो 38.4x। यहाँ पे 30x प्लस हाफ ऑफ 10 × x दैट इज 35x। हाँ ना, फोर्टी माइनस थर्टी ओवरहेड 32 × 2 25 है ना, 800, 30 × 25 कितना 750। तो कन्वर्जन कॉस्ट कितना आ रहा है, 38.4x प्लस 800, 35x प्लस 750। कोई भी एक यूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे दो मिसिंग वेरिएबल नहीं है, एक ही मिसिंग वेरिएबल है। वन मिसिंग वेरिएबल, तो पहला वाला लेंगे 38.4x प्लस 5408,
120 रुपीज एन आवर। राइट, नाउ आपको क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा है, फाइंड आउट द नॉर्मल वेज, नॉर्मल वेज रेट नहीं पूछा, वेज पूछा है, मतलब गारंटीड पार्ट। ठीक है, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। एक्चुअल में इन भाषाओं से रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज हार्डली गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। हमारा इंडियन का स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन टेस्टिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है, दे प्ले ऑन वर्ड्स, बट इस तरीके का प्लेइंग नहीं होता है। राइट, तो नॉर्मल वेज बोला है एंड दूसरा बोला है, तो पार्ट वन राइट नासिक का आएगा 32 into 120, सतारा का आएगा ये 3840, यस बोलिए। ठीक है, एक ही मिसिंग, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, दूसरा वाला लेने से भी यही आएगा। पार्ट टू वापस से वही चीज, हम लोग को ऑलरेडी आ चुका है, खाली वैल्यूज बैठा देंगे हम लोग। सीसी एट नासिक, सीसी एट सतारा, लेबर कॉस्ट निकाल चुके ऑलरेडी 38.4 into 120, 4608, 35 into 120, 4200। ओवरहेड कॉस्ट डन। आइए, क्वेश्चन नंबर फोर भी बहुत सिंपल है, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर टू है। राइट, थोड़ा सा फिगर चेंज है, फोर बी
इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में भी आपके ये सम है। पढ़ लीजिए आप लोग, हम लोग सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं समझाऊंगा मैं इसमें आप लोगों को, कुछ भी नहीं समझाने वाला। पढ़ लिया, स्टार्ट कर देते हैं। सब बनाना है, प्रोसेस 1, 2, गुड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। तो जब प्रोसेस 1 करेंगे तो 2 के बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। आ जाइए, तो सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीस, राइट। टू रॉ मटेरियल, इनपुट कितना 10,000, कॉस्ट होगा 75 करके 7.5 लाख। ट्रांसफर 9,000 हुआ बाद में, पहले सारा इनपुट और उसका टोटल कॉस्ट लिखेंगे। नॉर्मल लॉस 5%, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस, जल्दी बोलिए कितना है। 3 लाख। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस 1.5 लाख। टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस 75,000। स्क्रैप वैल्यू दिया उससे मतलब नहीं है, 8,000 फिनिश गुड्स बाद में मतलब है। तो रॉ मेटल कॉस्ट आ गया, वेजेस कॉस्ट आ गया, उसका 50% डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस का 25% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। इज दैट फाइन? बोलो, अब हमारा काम क्या रहता है, इनपुट आउटपुट को मैच करना बाय नॉर्मल लॉस। कितना बोला है, 5% मतलब 500, ठीक है। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, कितना ट्रांसफर हुआ अगला प्रोसेस में, 9,000। तो डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट 1,000 आ रहा है, 500 नॉर्मल लॉस, तो बाकी का होगा एबनॉर्मल लॉस 500। तो मेरा इनपुट आउटपुट मैच कर गया। अभी इसको दिखाएंगे, 13.5 में स्क्रैप है,
500 × 13.5 6750। बाकी ये दोनों कॉस्ट पे आएगा, तो उसके लिए अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ₹12,75,000 ठीक है। तो 133.5 × 500 66750 133.5 × 9000 ₹12,15,000। ₹12,75,000 ठीक है। डन। अभी इसका नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वन, नॉर्मल लॉस वन का यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस डेबिट क्रेडिट। टू पी वन 500 6750। टू पी वन 500 6750। इज दैट फाइन? दोनों ही बेचेगा स्क्रैप में, बाई बैंक। ये 500 बिकेगा 13.5 करके, 6750 बराबर हो गया। इसको दिखाया कॉस्ट पे, बट बेचेंगे 500 कितना पे? 6750 पे। तो ऑटोमेटिकली बाई कॉस्टिंग पे लाएगा 60,000।
बैलेंसिंग फिगर है ना ये तो। डन। नहीं बोलते बोलते भी मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब बनेगा प्रोसेस टू अकाउंट। राइट। टू ट्रांसफर फ्रॉम P1 राइट। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 65%, डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस का 65%, तो 5,60,000 का 65%, 3,64,000, 5,60,000 का 15%, 84। ठीक है, अब हम लोग को करना है इनपुट आउटपुट मैच करना है। बाय नॉर्मल लॉस 10%, मतलब 900। फिनिश स्टॉक में जाएगा 8,200। तो हिसाब से देखा जाएगा तो 9,000 इनपुट, 8,200 आउटपुट, तो 800 लॉस हुए, बट नॉर्मल लॉस को 900 पे रखना पड़ेगा, तो 2 एब नॉर्मल गेन आएगा 100 का। इसका स्क्रैप है 145 करके, तो 900 इंटू 145, 130,500 कॉस्ट पर यूनिट निकालो, टोटल कॉस्ट 12,01,500 प्लस 5,60,000 प्लस 3,64,000 प्लस 84,000, 220,9,500 माइनस 130,500। फिर से कर लो।
ठीक है, इज दैट फाइन? 1100 गड़बड़ हो रहा है, 2209500 माइनस 130500 डिवाइडेड बाई 256.6667 राइट right. राइट सो ये आएगा 8200 इंटू 256.6666, सो इट इज कमिंग टू 210466, और ये आ रहा है 100 इंटू 256.6666 तो यार है 25,666। थोड़ा डेसिमल में आ रहा है, कांट हेल्प इट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो 2P2 से 900 130500 बाई P2 से 100 25666 डन। अब एक्चुअल में तो 800 ही बेच पाएंगे ना बाई बैंक, और बाकी चला जाएगा अब नॉर्मल गेन अकाउंट में 100। तो 800 इंटू 145, 116,000, 14,500। यहाँ पे टू नॉर्मल लॉस से एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ है, डिफरेंस चला जाएगा 2566 माइनस 14,500,
11166 डन। कितना टाइम लगा? ठीक है, राइट सेलिंग प्राइस आएगा 256.6666, इसका 15%। टू नाइन्टी फाइव पॉइंट 17, तो बाई सेल 8,000 बेचा है और बाई क्लोजिंग स्टॉक 200। ठीक है, टू नाइन्टी फाइव पॉइंट 17, तो ये आ रहा है 236,1360। इसको सेलिंग प्राइस पे दिखाएंगे, टू थ्री सिक्स 1360। राइट, और इसको दिखाएंगे हम लोग कॉस्ट पे, 256.666, 51333, तो 2PL हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, 236,1360 प्लस 51333 माइनस 21044666, 308027। इज इट फाइन? सो दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस। टाइम कंज्यूमिंग है तो यू हैव टू बी वेरी क्विक। मैंने थोड़ा समझा समझा के कराया, राइट? इज दैट फाइन?